तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे आपके चैनल पेट मिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने जो पुरानी वीडियो थी मेरी दोस्तों, मैंने उसमें बताया था कि 10 बेनिफिट्स ऑफ लेबराडोर, तो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई थी और सबको अच्छी भी लगी और सबने डिमांड की थी कि 10 बेनिफिट्स ऑफ जो जर्मन शेफर्ड के बारे में भी बनाइए और उनके 10 बेनिफिट्स हमें बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दोस्तों उनके लिए कुछ पॉजिटिव 10 बातें आपको बताने वाला हूँ जर्मन शेफर्ड के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले बता तो आपको प्रॉब्लम के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा, आप जाके और 10 प्रॉब्लम के बारे में भी जान सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई वीडियो बनानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे जर्मन शेफर्ड काफ़ी हेल्दी ब्रीड होते हैं और दोस्तों इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि दोस्तों, अगर आप एक अच्छा गार्ड डॉग लेना चाहते हैं और एक गार्ड के लिए आपका फैमिली हो, या चाहे आपके घर के लिए, फिर फार्म के लिए, या फिर आप गाँव में रहते तो खेत की सुरक्षा के लिए दोस्तों आपको एक गार्ड डॉग चाहिए, तो दोस्तों आप जर्मन शेफर्ड के साथ जा सकते हैं। और दोस्तों, जर्मन शेफर्ड काफ़ी अच्छा गार्ड डॉग है। तो दोस्तों, जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, अगर आप जर्मन शेफर्ड एडॉप्ट करते हैं दोस्तों, आपके घर में कोई आता भी नहीं, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी खुकार लगता है और दोस्तों काफ़ी एग्रेसिव लगता है। अगर आपका जर्मन शेफर्ड फ्रेंडली हो तो भी दोस्तों, जो नया नया आता है कोई आपके घर में घुसने की तो ऐसा करता है कि कोशिश करता है दोस्तों, उसको देख के भी वो घर में आपके नहीं घुसेगा, क्योंकि जर्मन शेफर्ड का लुक काफ़ी ऐसा डेंजरस लगता है। और दोस्तों, अगर आप उनकी अच्छी हेल्थ और अच्छा उनको खाने को देते तो काफ़ी दोस्तों मस्कुलर डॉग लगता है और दोस्तों दिखने में काफ़ी एग्रेसिव लगता है, बट वो एग्रेसिव ज़्यादा होते नहीं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। बट दोस्तों, आपके घर की सुरक्षा काफ़ी अच्छे से भी कर लेंगे, और चाहे दोस्तों आपके घर में कोई भी घुसने की कोशिश करता है तो वो दोस्तों उनको देख के डर जाएगा, डॉग को देख के। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि दोस्तों, अगर आप इन्हें अच्छे से खाना देते हो, अच्छे से केयर करते हो, तो जल्दी ये डॉग बीमार भी नहीं पड़ते, बार बार आपको डॉक्टर के पास इनको नहीं ले जाना पड़ता और इनको कोई ज़्यादा हेल्थ इशू भी नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इन्हें अच्छे से केयर करते हो तो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते, क्योंकि बाकी कई कई डॉग ऐसे ब्रीड है कि कभी कभार जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, महीने में एक बार या फिर 2 महीने में 2 या 3 बार। क्योंकि जर्मन शेफर्ड के साथ दोस्तों ऐसा नहीं होता, काफ़ी अच्छे से वो केयर भी कर, अगर आप कर रहे हो थोड़ी केयर भी करते हो उसको, तो जल्दी से वो दोस्तों रिकवर भी हो जाते और दोस्तों ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि दोस्तों, जर्मन शेफर्ड के अंदर काफ़ी हाई एनर्जी होती है। अगर आप दोस्तों देखना चाहते हो तो दोस्तों आप इनके साथ खेल सकते हो, या फिर इनके रनिंग भी आप इनके साथ कर सकते हो। दोस्तों, आप थक जाओगे बट जर्मन शेफर्ड जल्दी से नहीं थकेगा, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी हाई एनर्जी होती है। इसलिए दोस्तों, इन डॉग को दोस्तों आर्मी, पुलिस और दोस्तों बहुत सारे ऐसे कामों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जल्दी से थकते भी नहीं और काफ़ी हाई एनर्जी डॉग ब्रीड होते हैं। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो हमारा कि अगर आपके घर में बच्चे वगैरह है या फिर छोटे बेबीज़ है और आप एक डॉग लाने की सोच रहे हो, तो दोस्तों जर्मन शेफर्ड भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो बेबीज़ के साथ भी काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाता है और छोटे बच्चे के साथ भी अच्छे से खेल लेता है और उनको प्रोटेक्ट भी करता है। अगर कोई उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है दोस्तों, उनको नुकसान नहीं पहुँचाने देता है, काफ़ी अच्छे से उनको प्रोटेक्ट भी करता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ बेबीज़ वगैरह है और आप डॉग लाने की सोच रहे तो जर्मन शेफर्ड आपके लिए बेस्ट है, और ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जर्मन शेफर्ड के लिए और आपके लिए भी। तो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि जर्मन शेफर्ड के हेयर, दोस्तों अगर आप इन्हें अच्छी केयर करते, अच्छे दोस्तों शैम्पू यूज़ करते, रोज़ ब्रशिंग करते, तो इनके जो हेयर होते हैं काफ़ी शाइनी होते और दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते, जिससे आपका जर्मन शेफर्ड काफ़ी हेल्दी और दोस्तों मस्कुलर लगेगा। और फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि दोस्तों, अगर आपका घर छोटा है यानी 2 BHK 3 BHK, तो दोस्तों ये आसानी से रह सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि इन्हें अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज और दोस्तों वॉक पे ले जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आपका घर छोटा है या फिर मीडियम साइज़ का है तो दोस्तों आसानी से दोस्तों ये रहेगा, अगर लार्ज साइज़ का है तो बहुत ही बेनिफिट आपके लिए रहेगा और आपके डॉग के लिए। और दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव दोस्तों, और दोस्तों वो है कि इनको ट्रेनिंग, दोस्तों क्या करते हैं बहुत सारे जर्मन शेफर्ड जो डॉग ओनर होते हैं, उनके पास जर्मन शेफर्ड होता है, वो क्या सोचते हैं कि मैं ट्रेनिंग स्कूल में इन्हें भेज दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जल्दी से ट्रेन होगा। बट दोस्तों, वही चीज़ अगर आप घर में उनको ट्रेनिंग देते और दोस्तों थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको अच्छे से ट्रेन करते तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से जल्दी से सीख भी लेते और दोस्तों बाकी और सिखाने से अच्छा दोस्तों अगर आप सिखाते तो दोस्तों आपके अच्छे से बात भी मान लेते, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल में वो लोग सिखाएंगे तो दोस्तों उनकी जल्दी से वो बात मानेगा। उसी जगह पर दोस्तों आप अगर उसको रेगुलर दोस्तों ट्रेन करते दोस्तों आपकी हर बात मानेगा भी और दोस्तों डिसिप्लिन में भी काफ़ी अच्छे से रहेगा। और दोस्तों,
जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि दोस्तों अगर आप एक ऐसा डॉग ढूंढ रहे जो आपके घर की प्रोटेक्ट के फैमिली के साथ अच्छे से रहे, बेबीज़ के साथ अच्छे से रहे, और दोस्तों उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी थोड़ा सा और दोस्तों काफ़ी अच्छा आपके लिए काम भी करे और आपके लिए यूज़ भी रहे, तो दोस्तों जर्मन शेफर्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों ये बहुत ही ऑलराउंडर डॉग, एक टाइप्स का आप बोल सकते हैं कि ऑलराउंडर डॉग है, तो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जो है जर्मन शेफर्ड के अंदर है कि वो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेता है, चाहे आप उसे कौन सा भी काम दो, और अच्छे से ट्रेन भी होता है, घर का प्रोटेक्ट भी करता है। दोस्तों अगर आप गांव में हो तो खेत की प्रोटेक्शन के लिए आप लेना चाहते हो दोस्तों ले सकते हो, और दोस्तों लो बजट डॉग ब्रीड है और ज़्यादा दोस्तों इसके लिए प्राइस भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों इसका प्राइस की बात करें तो दोस्तों आपको ये 10,000 से 15,000 के बीच में अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो दोस्तों इस रेंज में काफ़ी अच्छा है दोस्तों ये जर्मन शेफर्ड आपके लिए रहेगा, और दोस्तों आपके बहुत सारे काम भी ये जल्दी से कर लेगा। दोस्तों जो हमारा लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि दोस्तों अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, तो दोस्तों अगर आप डॉग फूड रेगुलर नहीं देना चाहते, तो दोस्तों थोड़ा सा आप घर का खाना थोड़ा सा डॉग फूड दे के दोस्तों उसको अच्छा मेंटेन भी रख सकते हैं और हेल्दी भी रख सकते हैं। और दोस्तों वीक में एक या दो बार उसको नॉनवेज दे के दोस्तों काफ़ी अच्छा हेल्दी जो है डॉग ब्रीड आप उसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सबको ये पॉजिटिव पॉइंट अच्छे लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको और कोई वीडियो बनानी है तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे बाकी वीडियो आपको आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में देखने को मिलेगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।